इसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी और इसमें जो है ना वो है संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट है जो की 30 जुलाई को आने वाली है और अभी काफी टाइम है लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसीलिए क्योंकि नाम से मुझे बड़ा ही कोई मजे की मूवी लग रही है। बहुत अच्छा अपीलिंग नाम रखा हुआ है और काठियावाड़ी समथिंग नाम है तो आई थिंक कुछ मजे का आने वाला है। समथिंग उसी टॉपिक से रिलेटेड ही होगा कुछ ना कुछ। अब वो तो टीजर तो देख ले हैं कि कितनी बड़ी टीजर है। टीजर वैसे ही छोटा सा ये ज्यादा नहीं है। स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या है। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस्या की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगू रहती है। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। आवाज से माधुरी की आवाज है थोड़ी थोड़ी। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़गू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू। आदर डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। बिल्कुल अलग लग रही है इस बार आलिया। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। कैसा लगा सर? नाइस। इस बार ना आलिया को ना बहुत ही डिफरेंट रोल में देखने का मौका मिला वरना कहाँ वो रोमांटिक मूवीज है ना ज्यादा उसमें बच्चों वाला लाइक लोग ज्यादा होता था इन्वॉल्व होती है। तो इस बार बिल्कुल ही सीरियस एंड है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रोप वाला बिल्कुल फुल ऐसा भरम वाला एटीट्यूड लेके आई है और अच्छा कैरेक्टर इस बार मिला है। मुझे ना पर्सनली ऐसा लगा कि जो नाम रखा है ना गंगूबाई काठियावाड़ी ये ना स्पेसिफिकली कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन को इंडिकेट करते हुए उन्होंने बनाया गया है नाम और इसी से ना पूरी मूवी मुझे रिलेट लग रही है कि जैसे कहते हैं ना कि एक एरिया की एक वुमेन होती है प्रॉपर ठीक है और उसी का पूरा इसमें राज चल रहा होता है समथिंग लाइक इस तरीके से कुछ स्टोरी होगी और बहुत ही पावरफुल उसको दिखाया गया है। बट पर्सनली मेरे ओपिनियन में ना कैरेक्टर आलिया भट्ट पे मुझे इतना सूट नहीं लगा। उनकी एक्टिंग वैसे बहुत अच्छी है नो डाउट हर किसी की अपनी स्किल्स होती हैं लेकिन पर्सनली मुझे ना आवाज ना स्टार्टिंग में तो माधुरी की लगी लेकिन एक एक गुलाबी गैंग समथिंग मूवी थी उसमें जो कैरेक्टर था ना माधुरी का और किसी और का भी था मुझे नाम याद नहीं आ रहा शक्ल ऐसे दिमाग में आ रही है तो उनका कैरेक्टर इसमें सूट हो सकता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनका इसमें कैरेक्टर जो ना अगर रखते ना तो सूट बहुत इससे ज्यादा अच्छा होता और लेकिन ओवरऑल मुझे ना ये अच्छा लगा कि इस बार आलिया बिल्कुल एक अपने अलग लुक में आई है और है ना मतलब एक बिल्कुल ज्यादा चीज जैसे नहीं है तो हां बट ज्यादा जो उस पे जो सूट करता था ना एटीट्यूड वही वाला अच्छा लगता था जो स्टूडेंट इन शॉर्ट वो जैसे जैसे वो स्वीट सा और चाइल्डिश और समथिंग कभी रोमांटिक और ये सब जो ना कैरेक्टर्स ना वो इनके ऊपर सूट होते हैं ज्यादातर और उनका फेस भी ना थोड़ा सा इस तरीके का है तो उस हिसाब से ना इसी चीजें मतलब बहुत ज्यादा सूट हो रही होती है। ये हमारा बिल्कुल अपना ओपिनियन है आप लोग जरूर हमको कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरीके से इनका ये इस पे कैरेक्टर लगा। वैसे बिल्कुल एक न्यू था डिफरेंट था बिल्कुल ये पहली मूवी किस तरीके की देखी है इसके अलावा या तो मैं मिस कर गई हूँ इन्होंने पहले कभी किया हुआ आई नहीं डोंट नो बट अगर ऐसा कोई मूवी भी है तो हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वी होप आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।